हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज के कारणों के बारे में बताने वाली हूं। साथ ही यह भी बताऊंगी कि नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज का इलाज घर में कैसे कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ डाइट के बारे में भी बताया जाएगा, जिसे आप फॉलो करके, जैसे कि आप सभी को पता है कि शरीर का महत्वपूर्ण अंग होती है ये नसें, जो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का काम करती हैं, जिससे हमारे शरीर के सारे पार्ट अच्छे से काम कर पाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों से नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। नसों में ब्लॉकेज की समस्या अगर बनी रहे तो ये जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होने का कारण भी बनती है। शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है, हार्ट ब्लॉकेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आजकल कम उम्र में लोगों को नसों में ब्लॉकेज आ रही है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर नसों में कमजोरी और ब्लॉकेज किन कारणों से होती है, इसके लक्षण शरीर में क्या दिखाई देते हैं, कौन सी सावधानियाँ आपको फॉलो करनी है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसका इलाज बता दूं, लेकिन इससे पहले आप जान लें कि नसों की कमजोरी क्यों होती है और इसके कारण क्या होते हैं, ताकि भविष्य में आप उन गलतियों को कभी नहीं करें। दोस्तों, नसों में कमजोरी होने के कारणों में शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जब हम अपनी डेली रूटीन में पूरे न्यूट्रिशन अपने शरीर को देते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिससे शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलते रहें, तो नसें कमजोर नहीं होती। और अगर हम शरीर का प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते तो धीरे धीरे नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके अलावा डेली रूटीन में कई लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, शरीर से ज्यादा काम लेते हैं, जिसकी वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। बहुत से लोगों की आदत है, वो 8 से 10 घंटे रेगुलर ऑफिस में काम करते रहते हैं, उनके पास योगा एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं होता। इस वजह से भी शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, नतीजा नसें कमजोर होने लगती हैं और उसके बाद उनमें ब्लॉकेज भी आ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग मैदे से बनी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, जब फूड खाते हैं ऑयली फूड खाते हैं, डिब्बा बंद खाना ही खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, इसकी वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं, शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। जब भी आप कुछ गलत खाते हैं, वह खाना जब पचता है तो वो पचे हुए खाने में से एसिड बनता है। अगर हम सही खाना खाते हैं तो उस पचे हुए खाने में से पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर को एक एनर्जी के तौर पर मिलते हैं। लेकिन उसकी जगह हम ऑयली फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद चीजें ज्यादा खाते हैं तो शरीर कब तक अच्छे से काम करेगा, शरीर सही नहीं रह पाएगा। ज्यादा मात्रा में खाने से एसिड बनता है, ये हमारे शरीर को बहुत प्रॉब्लम्स देता है। हाँ, अगर कभी कभार आप ऐसा खाना खा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका डेली का रूटीन ऐसा ही है, ऑयली फूड, जंक फूड, मैदे वाला खाने का है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। ये एसिड हमारे खून में मिलने लगता है, खून में मिलने के बाद ये धमनियों में ब्लॉकेज को पैदा कर देता है, धीरे धीरे बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ा देता है और नसों में ब्लॉकेज आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं नसों में ब्लॉकेज और कमजोरी होने के लक्षण। यदि नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या फिर नसें कमजोर हो गई हैं, तो इससे शरीर में होने वाले लक्षणों की पहचान करना जरूरी है। तो यदि आपकी याददाश्त घटने लगी है, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है कमजोर पड़ चुकी है, तो ये बताता है कि नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। शरीर में खून की कमी होना, चक्कर आना भी ये संकेत है कि नसें कमजोर हो गई हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, खून शरीर में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, तो आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है और कब्ज की समस्या, अपच की समस्या रहने लगती है। ये भी नसों की कमजोरी के ही संकेत हैं। आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती या फिर अनिद्रा की समस्या हो चुकी है, यह भी नसों की कमजोरी को दर्शाते हैं। नसों की ब्लॉकेज और कमजोरी को दूर करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी डेली डाइट को चेंज कीजिए और अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम वाले आहार लेना शुरू कर दीजिए। पोटेशियम वाले आहार हैं जैसे कि केला, अखरोट, तरबूज, चुकंदर, शकरकंद
उबले हुए आलू, इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर अनार का जूस शामिल कीजिए जो कि पोटेशियम से भरा हुआ है और दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अधिक से अधिक कैल्शियम और विटामिन डी वाली चीजों का सेवन कीजिए। कैल्शियम वाली चीजें जैसे कि दूध, दही, अंजीर, संतरा, आंवला, ब्रोकली, नारियल, इन्हें डाइट में शामिल कीजिए। यह शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही रोजाना विटामिन डी के लिए 20 मिनट की कम से कम धूप जरूर सेकिए। दोस्तों, अगर आप रोज धूप नहीं ले सकते तो एक दिन छोड़कर एक दिन लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि धूप लेनी जरूर है। इसके अलावा हो सके तो हफ्ते में एक बार तिल के तेल की शरीर पर मालिश करिए और उसके बाद आप धूप में बैठिए। सुबह और शाम 30-30 मिनट की वॉक जरूर कीजिए, ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम करने से नसों के रोग दूर होते हैं, अनुलोम विलोम करने से नसों की ब्लॉकेज खुलती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं नसों की ब्लॉकेज और कमजोरी को दूर करने के लिए घरेलू इलाज कौन सा करना है। इसमें मैं आपको तीन ऐसी चीजें बता रही हूँ जिनमें से आप किसी को भी फॉलो करके नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है गार्लिक यानी कि लहसुन, अदरक यानी कि जिंजर और अनियन। ये तीनों चीजों का जूस अगर आप पीते हैं तो ये नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है, यानी कि ब्लॉकेज को दूर करता है। दोस्तों, आपने क्या करना है, सिर्फ एक चम्मच आपने लहसुन का जूस लेना है, दो चम्मच आपने अदरक का जूस लेना है और तीन चम्मच आपने प्याज का रस लेना है। इस तरीके से 6 चम्मच जो जूस है उसको आपने आधा गिलास गुनगुने पानी में डालकर सुबह खाली पेट लेना है। ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करने का और खून को पतला करने का बहुत ही नेचुरल तरीका है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, वो है अलसी। अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि खून को पतला करता है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है। दोस्तों, आप अलसी का सेवन किस तरीके से करें, आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी कि ऐसे ही भून लीजिए अलसी को, उसके बाद पाउडर बनाकर रख लीजिए। आप 1 हफ्ते के लिए इसका पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच आपने गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है, इसके साथ साथ ये डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी समस्याओं को भी क्योर कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट और तीसरी चीज की, वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी के फायदे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन नसों की ब्लॉकेज को दूर करने का काम ये बहुत जल्दी कर देती है। दोस्तों, दालचीनी का सेवन अगर आप शहद के साथ करते हैं और आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि दालचीनी तो नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है, जो शहद है ना वो अपने साथ ली जाने वाली किसी भी चीज के असर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आपने सिर्फ 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी पाउडर लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। इन दोनों चीजों को आपस में मिला लीजिए और इनका सेवन कर लीजिए। ऐसा करने से नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। ये तीनों में से किसी भी इलाज को फॉलो करके आप नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।